हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल वे। गाइस, अगर यार आप नए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को ऑल के ऊपर कर देना। मैं ऐसे लैपटॉप के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो कि फ्यू डेज पहले मैंने जो HP ओमन की वीडियो डाली थी उसका मैं लिंक आई कार्ड में दे दूंगा एंड जो आज की अपनी वीडियोज में ओमन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि मैं अपने अमेजोन की डिस्प्ले के ऊपर आ चुके हैं, जो कि अपने इसमें प्रोसेसर आता है गाइस अपने को वो i7 का 10th जनरेशन है, जो कि 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, जिसकी 2.2 GHz की बेस क्लॉक है एंड 5 GHz की बूस्ट क्लॉक है, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। अगर देखा जाए जो इसमें रैम है वो 16 GB मिलती है एंड जो इसकी क्लॉक स्पीड है वो 2933 MHz की है एंड जो SSD है वो 512 GB की है, जिसके साथ 32 GB की इंटेल ऑप्टेन मेमोरी इन्होंने पेयर की हुई है एंड जो ग्राफिक्स कार्ड अपने को मिलता है वो RTX 3060, जो कि 6 GB वाला वेरियंट है एंड जिसकी TGP अराउंड 100 W के होने वाली है, जो कि टेस्टिंग RTX भैया ने कंफर्म भी की थी अपने सभी को एंड जो कि इसका प्राइस है वो 1,48,649 रुपीज़ है एंड जो इसका बेस्ट बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा आपको। जिसकी डिस्प्ले है वो 72% NTSC एंड जो 144Hz का रिफ्रेश रेट है एंड 300 nits की ब्राइटनेस है एंड जो ये वाला वेरियंट है इसमें नमपैड भी अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कई जो AMD वाले वेरियंट आते हैं ओमन के उनमें नमपैड होता नहीं एंड IR थर्मोपाइल सेंसर लगा हुआ है इसमें, जिससे कि आप हीट कंट्रोल कर सकते हो लैपटॉप के एंड कूलिंग सिस्टम आपको पता ही है इस लैपटॉप का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड जो कि इसमें बैटरी मिलती है अपने को वो 70.9 Wh की है, जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है एंड जो वेट है इस लैपटॉप का वो 2 kg एंड 370 ग्राम के नियर अबाउट है, वो भी एक मतलब डिसेंट सा वेट है, अगर कहें कि ज़्यादा हैवी नहीं होने वाला तो फिर आप इसको ले सकते हो एंड जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं उनसे एंड चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो गाइस। तो फिर आज की बस यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।